नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे लौंग और पसीने से वशीकरण। दोस्तों, लौंग और पसीने से वशीकरण कैसे करें, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप भी चाहते हैं लौंग और पसीने से वशीकरण करना, अगर आप भी किसी इंसान को लौंग और पसीने के द्वारा वशीभूत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आपके दिल में किसी के लिए आस और प्रेम भरा है? क्या आप भी चाहते हैं कि कोई इंसान आपके वश में हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपके कहे अनुसार चलने लगे? तो दोस्तों, आप इस वीडियो के द्वारा किसी भी इंसान का वशीकरण कर सकते हैं, चाहे वो आपका प्यार हो या आपका दुश्मन हो। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जैसे मैंने लौंग ली हुई है और पसीना दिखाया हुआ है, आप दोस्तों ऐसे ही लौंग और खुद के पसीने के द्वारा किसी भी इंसान का वशीकरण कर सकते हैं। वो कैसे करना है, कब करना है, हम आपको इस वीडियो द्वारा बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लौंग और पसीने से अपने खोए हुए प्यार को भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आप लौंग और पसीने से अपने पति और पत्नी का वशीकरण कर सकते हैं। आप अपने सास ससुर को वश में कर सकते हैं। अगर आपका कोई दुश्मन आपके पीछे पड़ गया है, उसको दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आप लौंग और पसीने के द्वारा अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, लड़के लड़की को वश में कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि लौंग और पसीने से वशीकरण कैसे किया जाता है और लौंग और पसीने से वशीकरण कैसे असर दिखाता है और कब किया जाता है, कहां पर किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में वशीकरण करने के लिए अमावस्या का दिन, पूर्णिमा का दिन और दोस्तों शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा बताया गया है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अगर वशीकरण करने जा रहे हैं किसी का, तो आप शुक्रवार का दिन ही चुनें। दोस्तों, आप शुक्रवार के दिन 7 लौंग लेकर अपने शरीर में ऐसी जगह पर छुपा कर रख दें जहाँ पर आपको ज़्यादा पसीना आता हो। उसके बाद दोस्तों, आप रात भर सो जाएं। अगले दिन निकाल कर दोस्तों आप शनिवार को वो लौंग चाय में, दूध में, खाने में, मिठाई में मिलाकर उस इंसान को खिला पिला दीजिए जिसका आप वशीकरण करना चाहते हैं। ऐसा करने से दोस्तों वो इंसान आपके वशीभूत हो जाएगा, आपके इशारों पर चलने लगेगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करने लगेगा। तो दोस्तों, ये था लौंग और पसीने से वशीकरण करने का अद्भुत तरीका। दोस्तों, आप इस टोटके का प्रयोग कम से कम 7 दिन तक तो जरूर करें। 7 दिन के बाद दोस्तों आप असर अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, आपको असर दिख जाएगा दोस्तों लौंग और पसीने के द्वारा वशीकरण का। तो दोस्तों, अगर आपके मन में इस वीडियो को लेकर कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें और दोस्तों आप हमारे दिए गए नंबर पर फ़ोन करें, जो नंबर आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है इस पर ही कॉल करें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्त भी किसी न किसी इंसान को वश में कर सकें। जैसे अगर एक पत्नी परेशान है, अपने पति का वशीकरण करना चाहती है, तो वो खुद के पसीने के द्वारा लौंग रखकर वशीकरण कर सकती हैं। एक पत्नी अपने पति को अपने कहे अनुसार कार्य करा सकती है, अपने इशारों पर चला सकती है, अपना शादीशुदा जीवन सुखमय बना सकती है और अपने पति पर हमेशा अपने प्यार का मोहजाल फैला सकती है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को देखने के बाद हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।